स्मार्टफोन का इस्तेमाल न केवल कॉल करने भर के लिए रह गया है, बल्कि आप इससे अपने जरूरी कामों को भी पूरा करते हैं। जी हाँ, आप अपने घर में बैठे कई जरूरी काम जो आपके स्मार्टफोन के जरिए करते हैं। ऐसे में आप हो सकता है कि अपने फोन के नोटिफिकेशन को भी देखते होंगे, जिसमें कि आपके ऑफिस के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप के नोटिफिकेशन या फिर किसी जरूरी टेक्स्ट मैसेज आपके फोन में आते हैं। ऐसे में हम उनसे परेशान होकर कभी कभार एक ही बार में सारे नोटिफिकेशन डिलीट कर देते हैं। ऐसे में कुछ और भी जो जरूरी नोटिफिकेशन है वो डिलीट होने के चलते आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। एक तरीके से आप अपने डिलीट हुए नोटिफिकेशन को आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आपके फोन में सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करना है जो कि गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है। गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करके आप उस डिलीट हुए नोटिफिकेशन को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये ऐप आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, उससे इंस्टॉल करना है। हालांकि इस फोन में फिलहाल ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, इस वजह से यहाँ ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। आपको फिर टिप्स फॉर यूज के लिए एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि लाइव नोटिफिकेशन के रियल टाइम के लिए आप एक्सेस ऐप को दे रहे हो या नहीं। आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपसे एक और फोन एक्सेस मांगता है, जो कि आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में रनिंग के लिए, चलने के लिए एक्सेस मांगता है। यहाँ आप देख सकते हो कि आपके फ़ोन के जो भी लाइव नोटिफिकेशन है ये उसके एक्सेस लेके, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में कंपनी का मैसेज आया और उसने भी ये एक्सेस ले लिया, और उसके पास इस ऐप में आप उस मैसेज को देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में जो भी आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे हैं उनके सभी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में इस ऐप में मौजूद हैं। अब हम अपने किसी भी नोटिफिकेशन को अगर डिलीट कर दे, अगर इस मैसेज को मैं डिलीट करती हूँ, गलती से अगर आपके फ़ोन से कोई नोटिफिकेशन डिलीट हो जाती है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐप आपके उस नोटिफिकेशन के एक्सेस को अपने फ़ोन में, अपने ऐप में मौजूद रखता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ये इसमें फिर से है, और ये आपके फ़ोन में, आपके डाटा स्टोर में फिर से मौजूद हो जाएगा।